नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज़ अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसराइल और हमास की जो लड़ाई चल रही है, इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है कि ये अंत कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि कोई भी पक्ष शांत होने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये समझ लीजिए कि दो दिन पहले की ही न्यूज़ है, हमास ने एक बहुत बड़ा अटैक किया है इसराइल के ऊपर। इसराइल की जो राजधानी है तेल अविव, वहाँ पर, जी हाँ, इसराइल की राजधानी तेल अविव मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत सरकार तेल अविव को ही राजधानी मानती है, यरूशलेम को राजधानी नहीं मानती है इसराइल की, जबकि इसराइल का कहना है कि उसकी राजधानी यरूशलेम है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं तेल अविव को उसकी राजधानी बोल रहा हूँ। तो तेल अविव में ये जो अटैक हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा भीषण अटैक हुआ है, जिसमें इसराइल का कहना है कि उसको कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है और उसका जो डिफेंस सिस्टम है उसने सारे हमलों को न्यूट्रलाइज कर दिया है, सबको ख़त्म कर दिया है। लेकिन अगर हमास की बात माने तो हमास का ये कहना है कि इस अटैक में 100 से ज़्यादा जो इसराइल फोर्स के लोग हैं वो मारे गए और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सिविलियंस मारे गए, तो बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई है इसमें, ऐसा हमास का कहना है। दोस्तों, अब जब हमास ने ये चीज़ कर दी थी तो बनी हुई बात है कि इसराइल को इसका बदला भी लेना था, तो इसराइल ने इसके बदला भी लिया और उसने रफा, जो गज़ा में एक जगह है रफा, उसने इसराइल ने वहाँ पर बॉम्बिंग कर दी और इतनी ज़बरदस्त बॉम्बिंग कर दी कि वहाँ 35 लोग की मृत्यु हो गई है। अभी इसराइल के लोगों का कहना है कि ये 35 लोगों की मृत्यु हुई है और ये जो लोग मरे हैं ये सारे हमास के लोग हैं, लेकिन हमास के लोगों का कहना है कि ये जो 35 लोग मरे हैं ये हमास के नहीं हैं बल्कि ये सिविलियंस हैं। दोस्तों, दरअसल बात क्या है कि गज़ा में भी कुछ जगह ऐसी बना दी गई थी जहाँ पर सिविलियंस को रहने के लिए जगह दी गई थी कि इस जगह पर सिर्फ सिविलियंस रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, तो उस सिविलियंस वाली जगह पे इसराइल ने अटैक कर दिया है। इसराइल का ये कहना था कि इन जगहों पर हमास के लोग छिपे हुए थे और हमने पिन पॉइंट तरीके से उनको मारा है, वहाँ पर अटैक किया है जिसमें सिर्फ हमास के लोग मरे हैं। तो दोस्तों, हमास के लोग मरे हैं ठीक है, अगर सिविलियंस मरे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि सिविलियंस किसी भी देश में हो नहीं मरने चाहिए क्योंकि वो तो निर्दोष लोग हैं। हाँ, अगर हमास के लोग इसमें न्यूट्रलाइज हुए हैं, मरे हैं, तो वो तो ठीक है, वो इसराइल के हिसाब से बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन दोस्तों, ये आखिर कब तक चलता रहेगा कि इसराइल के ऊपर कभी हमास अटैक करेगा, कभी हिजबुल्ला अटैक करेगा, कभी ईरान अटैक करेगा, फिर इसराइल उसका बदला लेगा, कभी हिजबुल्ला से लेगा, कभी हमास से लेगा, कभी ईरान से लेगा। तो दोस्तों, अभी दरअसल कुछ ऐसा हुआ था, अभी आपने कुछ दिन पहले की खबर है जिसमें ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश हो गया था और उसमें उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद एक शोक सभा रखी गई थी ईरान में। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खुमैनी, इन्होंने उसमें हिजबुल्ला, हमास और हूती के जो टॉप लोग हैं, लीडर हैं, उनको बुलाया, उनके साथ मीटिंग करी और उसमें एक उन्होंने बात बोली कि हमें इसराइल को जड़ से ख़त्म कर देना है। अब दोस्तों, जड़ से ख़त्म कर देने की बात उन्होंने बोली और उसके बाद ही ये अटैक देखने को मिल गया हमास का, और हमास का भी अब ये कहना है कि हम इसराइल को जड़ से ख़त्म कर देंगे, पूरी तरह से इसराइल को देखने को नहीं मिलेगा कि इसराइल है कहाँ। और वही इसराइल की अगर बात करें तो इसराइल का कहना है कि हम हमास को जड़ से ख़त्म कर देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कौन किसको जड़ से ख़त्म कर देता है, लेकिन दोस्तों ये तो तय है कि जिस हिसाब से इस बार हमास ने अटैक किया है, लगता है कि शायद ईरान ने कुछ बड़े वेपन हमास को दे दिए हैं जिससे हमास इस लेवल के हथियारों से अटैक कर रहा है इसराइल को। लेकिन दोस्तों, इसराइल भी कोई कमज़ोर देश नहीं है, इसराइल इसका भरपूर बदला ले रहा है और वो उतना ही नुकसान दे रहा है हमास को जितना उसने सोचा भी नहीं। अब ये सोच लीजिए कि इसराइल का कहना है कि हमास को हम बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे,
जिस बात पे थोड़ी सी दम भी लगती है कि हम ख़त्म कर देंगे और वो हो भी जाएगा, क्योंकि हमास कोई बहुत बड़े एरिया में नहीं है, एक छोटे एरिया में है। पूरा जो एरिया वो है वो करीब 42-45 किलोमीटर का एरिया है जिसमें हमास है। तो दोस्तों 42-45 किलोमीटर के एरिया में के लिए अगर एक देश अपनी फोर्स को लगा कर ख़त्म करना चाहता है तो ख़त्म कर देगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसे लेकिन वो ख़त्म कर देगा। हमास के लोग बचे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो वहाँ के लोकल जो सिविलियंस हैं उनका सहारा ले रहा है, उनके बीच में छिपे हुए हैं। इसलिए इसराइल को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि उसको ये लग रहा है कि एक सिविलियंस की कैजुअल्टी ना हो जाए, बस इसीलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो इसराइल ने अब तक ख़त्म कर दिया होता पूरी तरीके से हमास को। हमास के बारे में कुछ ना पता लगता अब तक। तो दोस्तों ये जो भी है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, युद्ध से हमेशा तबाही आती है। उन दोनों के लिए तो तबाही है ही है, इसराइल के लिए और हमास के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये दूसरों के लिए भी तबाही लेके आती है। कहीं ना कहीं इससे दूसरे देश भी इम्पैक्ट करते हैं, महंगाई आती है और दूसरी तरह की चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों हमें भगवान से प्रार्थना ये करनी चाहिए कि ये जल्दी से जल्दी रुक जाए ताकि सब कुछ शांत हो जाए। दोस्तों अब इस पर कुछ और अपडेटेड न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।